तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं शंकल लैंड। तो गाइस यार, लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग भाई म्यूटेंट के आइलैंड पे गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे म्यूटेंट को मार के भाई बहुत सारे लूट चुराई थी। तो गाइस आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग उस लूट से अपने लिए बहुत सारी चीजें बनाने वाले काम की, और गाइस हम लोग ना जाने वाले किसी दूसरे म्यूटेंट के आइलैंड पे अटैक करके उनके लूट चुराने। तो गाइस यार, आज के इस एपिसोड के अंदर ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस बिना किसी देरी के चलते सीधा गेम के अंदर। तो यहाँ पे गाइस हम लोग आ चुके हैं सीधा गेम के अंदर, और भाई हमारे सामने ना बहुत सारे बाज उड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ना आज भाई हमारे बेस पे म्यूटेंट का अटैक होने वाला है। तो एक काम करते हैं गाइस, रात होने से पहले पहले ना हम लोग नीचे चलते हैं। वेट भाई, आज ना बहुत सारी लकड़ियां आई हुई हैं हमारे आइलैंड पे। तो चल के गाइस हम लोग पहले ना लकड़ियां उठा लेते हैं। जो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम लूट की थी ना, वो लूट मैंने अंदर ले जाके बेस के अंदर रख दी थी। तो जाते हैं हम लोग अंदर। बट वेट, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी गाइस। तो ये लकड़ियाँ ना भाई बहुत ही कीमती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती भाई, क्योंकि लकड़ियाँ ना मिलती नहीं जल्दी से। वेट, यहाँ पे एक क्रैब मीट पड़ा है, तो भाई उठा लेते हैं इसको और इसको ले जाके हम लोग पकाएंगे। बट वेट भाई, ये क्या यार, हमें प्यास लगी है, तो हमें ना भाई पानी पीना होगा। पहले उठाते हैं गाइस हम लोग लकड़ियों को और चलते हैं सीधा अंदर और खोलते हैं गाइस अपना प्यारा सा बेस। खुल जा सिम भाई, खुल गया यहाँ पे, नाइस। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग गेट करते हैं बंद। यार हम लोगों ने लास्ट टाइम गाइस प्यारी सी बोट ही बनाई थी, जो कि भाई वो खड़ी पीछे, वो देखो यार मस्त बोट है भाई हमारी। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग पहले ना पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमें प्यास लगी है। अगर हम लोग पानी नहीं पियेंगे तो गाइस हम लोग मर जाएंगे। तो यार हम लोग ना थोड़ा सा पानी और लेके आते हैं, ताकि हम लोग इसको प्योरीफाई कर सकें। तो गाइस एक काम करते हैं, हम लोग अपनी बाल्टी निकालते हैं और इसके अंदर गाइस भरते हैं पानी और ले जाकर ना इसको जल्दी से हम लोग रखते हैं अंदर, प्योरीफाई के अंदर डालते हैं, ताकि भाई पानी प्योरीफाई हो जाए। भाई देखो यार, एक एक बूंद करके पानी प्योरीफाई हो रहा है। तो गाइस सोने देते हैं इसको, गेट कर लेते हैं बंद। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम भाई कुछ पकाया था, तो एक काम करते हैं गाइस, इसको हम लोग खा लेते हैं। ओ भाई ये क्या, रोस्टेड पोटैटो हो, तो नाइस भाई। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी भूख मिट चुकी है और भाई हमारी हेल्थ भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो गाइस एक काम करते हैं, जो ये क्रैब मीट है ना, इसको हम लोग यहाँ पे पका देते हैं। ओ भाई साहब, देखना ये केकड़ा क्या ही लग रहा है। ओ भाई इसको खाने वाला हूँ मैं यार, कमाल है भाई। वैसे भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, बट आज इसको खाना पड़ेगा। बट क्या ही कर सकते हैं यार, वैसे मैं नहीं खा रहा भाई, मेरा बंदा खा रहा है। तो गाइस लास्ट टाइम ना मैंने यहाँ पे चेस्ट बना ली थी एक, तो मेरा सामान ना भाई यहाँ पे आ नहीं रहा था। तो मैंने गाइस यहाँ पे एक चेस्ट बना के इसके अंदर सारा सामान डाल दिया था। ये देखो भाई, आज ना हमारे पास बहुत सारा सामान है। तो हम लोग देखते हैं भाई आज हम लोग क्या कुछ बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं यार, पहले ना हम लोग भाई अपना सारा मटेरियल जिससे भाई हम लोग सामान बना सकते हैं उसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, मतलब भाई अपनी इन्वेंटरी के अंदर। यहाँ पे स्क्रैप मेटल पड़े हैं, इसको भी रखते हैं भाई। वेट, यहाँ पे मशरूम है, इसको हम लोग पका लेंगे। यार जो ये सीड है, इसको शायद यार हमें कहीं पे उगाना है। बट यार मुझे लग रहा है भाई हमें इसको अपने आइलैंड पे उगाना है। शायद भाई इसके लिए ना हमें गमले वमले बनाने होंगे। और यहाँ पे फिशिंग बेट, वेट यहाँ पे वुडन प्लैंक पड़ी है, तो इसको भी भाई हम लोग रख लेते हैं अपने पास। और यहाँ पे शायद अब नहीं हमारे काम का कुछ इसके अंदर। तो यार वेट भाई, हम लोग ना थोड़ा ध्यान रखते हैं बाहर, क्योंकि जो म्यूटेंट है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुके होंगे हमसे, क्योंकि भाई हम लोगों ने ना उन सभी म्यूटेंट को मार डाला, मतलब जो रेडियो आइलैंड के ऊपर थे। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। वेट भाई, इसके अंदर पड़ा यार असली माल। तो शायद गाइस ये वो वाला माल है जो हम लोग पहले छोड़ के गए थे यहाँ पे। तो रखते हैं जल्दी से हम लोग अपने इन्वेंट्री के अंदर इसको और देखते हैं। पहले ना यार मैं सोच रहा हूँ भाई अपने लिए मैं टूल वगैरह बनाऊँ, जैसे कि गाइस पिकैक्स। तो अगर हम लोग पिकैक्स बना लेंगे ना, मतलब कुल्हाड़ी, तो गाइस हम लोग ना चट्टानों को तोड़ के उसके अंदर से भी लूट निकाल पाएंगे। तो चलते हैं गाइस हम लोग क्राफ्ट के अंदर। यहाँ पे ये देखो यार, हम लोग भाई यहाँ पे ना कुल्हाड़ी बना सकते हैं, और ये बो एरो तो भाई हम लोगों ने बना ही लिया। तो यार पिकैक्स कहाँ से बनेगी, ये रही भाई। यहाँ पे हम लोग करते हैं क्राफ्ट, नाइस, इन्वेंटरी इज फुल। तो वेट भाई, ये बनी नहीं क्या, अरे बन गई, नीचे गिर गई। तो एक काम करते हैं यार, हमारी इन्वेंटरी गाइस फुल हो चुकी है। अबे ओ भाई, यहाँ पे पक्का म्यूटेंट का अटैक हो रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई म्यूटेंट आ रहे हैं बहुत सारे। तो एक काम करते हैं गाइस, पहले तो ना हम लोग जल्दी से गेट बंद करते हैं। नाइस, यहाँ पे हमारा गेट बंद है, तो भाई ये लोग ना हमारी सारी लूट उठा के ले जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग ना गाइस, जल्दी से बनाते हैं यहाँ पे पहले एरो, क्योंकि भाई हमें ना बहुत सारे एरो लगने वाले हैं। एक काम करते हैं यार, इसको हम लोग फेंकते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एरो उठा लेते हैं, क्योंकि भाई हमें ना इनको मारना होगा। ओ भाई ये क्या, हमारे पास ओनली 10 एरो हैं। वेट, 9 नीचे हैं। ओ भाई क्या चिल्ला रहे हैं ये। ओ वेट भाई, वो तोड़ रहे हैं भाई ये। ओ भाई साहब, मुझे लग रहा है ये ना हमारी सारी लूट भाई उठा के ले जाएंगे। तो गाइस यार, इससे पहले कि ये लोग हमारे लूट उठा के लेके जाएं, इनका काम तमाम करते हैं भाई बाहर जाके। गेट कर देते हैं बंद। आ जाओ बेटा, कहाँ पे छुप रहे हो बेटा, इधर आओ सामने। आज मेरे पास भाई ये क्या कर रहा, क्या कर रहा, भाग क्यों रहा है। ये ले बेटा। अबे ये क्या भाई, इसके लगी नहीं। ओ भाई आज तो यार ये कुल्हाड़ी लेके आए हैं, तो इसकी खोपड़ी में देते हैं भाई। ये ले, एक और देना पड़ेगा इसके, ऐसे नहीं मानेगा भाई ये। ओ भाई कितनी तेजी से भाग रहा है यार। ये ले बेटा, चल निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ओ भाई मर गया। ओ भाई इनको कुछ ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, क्योंकि इनका दोस्त ना मर चुका है। तो भाई कुछ ज़्यादा हिल रहा है यार। अबे ये ले बेटा, ये ले तेरी खोपड़ी के अंदर सीधा डायरेक्ट। नाइस, ये भी मर चुका है, तो एक रह गया। ओ ओ भाई साहब,
ओ भाई हमसे पंगा। मुझे लग रहा है मर गए ये, क्योंकि यार म्यूजिक ना चेंज हो चुका है। तो चल के जल्दी से भाई लूट उठाते हैं। बट यार वेट, शायद कोई और भी आसपास यहाँ पे इनके पास भाई खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत तो उठा लेते हैं हम लोग। और इनके पास क्या है यार, इनके पास भाई पानी है थोड़ा बहुत। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग ना पानी पी लेते हैं। बट वेट, पानी हम लोग पी नहीं सकते। ओ यार भाई हमारी इन्वेंट्री ना पूरी फुल हो चुकी है। तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग अंदर चलते हैं और चल कितना जल्दी से इन्वेंट्री बनाते हैं। ओ भाई ये कुल्हाड़ी वाला असली बंदा तो यहाँ पे घूम रहा है। ओ भाई ये ना हमें मार सकता है। ओ भाई आ जा आ जा आ जा आ जा। एक काम करते हैं, ये कुल्हाड़ी से लड़ेगा ना, ये ले बेटा कुल्हाड़ी से लड़ेगा हमारे साथ। कुल्हाड़ी से पापा से पंगा। वेट गाइस, यहाँ पे ना हमें लड़ाई करने के बाद प्यास लग चुकी है। तो हम लोग चल के ना पहले जल्दी से पानी पी लेते हैं। पीते हैं भाई पानी और प्यास बुझाते हैं पहले। और गाइस यहाँ पे ना हमारा मीट ही पक चुका है। तो एक काम करते हैं यार, पहले ना हम लोग एक और इन्वेंट्री बनाते हैं और उसके अंदर गाइस हम लोग सामान रखेंगे अपना और जो बाहर पड़ा है। तो ये रही गाइस इन्वेंट्री, इसके लिए लगने वाले 10 मेटल। तो यहाँ से करते हैं बिल्ड और लगा देते हैं गाइस इसको हम लोग यहाँ पे। और इसके अंदर भी हम लोग अपना सामान रख देते हैं भाई, खाने पीने का सामान रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि गाइस बाहर सामान पड़ा हुआ ना तो उसको हमें उठा के लाना होगा। तो रखते हैं गाइस इसको यहाँ पे और चलते हैं गाइस बाहर, खाने पीने का सामान उठा के ना जल्दी से लेके आते हैं। मुझे लग रहा ना गाइस ये हमारी इन्वेंटरी खोल नहीं सकते। बट यार ऐसा ना हो कहीं ये हमारी इन्वेंटरी लेके भाग जाए भाई, पता नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ से गाइस हम लोग पानी उठा लेते हैं और चलते हैं ऊपर। और भाई बाकी कहाँ गए, बाकी कहाँ भाग गए, यहीं पर मारा था यार हम लोगों ने सारे के सारे। शायद एक इस साइड मारा था, कहाँ गया यार, नहीं भाई शायद इनकी लाश ना पानी के अंदर कहीं पे चली गई, शायद नीचे चली गई क्या, शायद भाई वो मछली खा गई इनको, बाकी पता नहीं यार। तो गाइस चलते हैं हम लोग। वैसे यार हमारे पास ना बहुत लूट है भाई, क्या ही लालच करना, हम लोग जाने वाले हैं म्यूटेंट के आइलैंड पे अटैक करने। तो गाइस यार हम लोग एक काम करते हैं अपने लिए ना, जल्दी से काम का सामान बनाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो क्या कुछ बना सकते हैं भाई हम लोग अपने लिए, वेट यहाँ पे हम लोग एक प्लांट बना सकते हैं। बट उससे पहले ना मैं सोच रहा हूँ गाइस अपने लिए एक आर्मर और बनाऊं, क्योंकि हम लोगों ने वेस्ट बनाई थी लास्ट टाइम। वेट हम लोग अपने लिए ना कपड़े बना सकते हैं, बट उसके लिए भाई हमें वूल लगने वाली है, सॉरी कॉटन लगने वाला है। तो यार कॉटन तो भाई हमारे पास सही नहीं। यहाँ पे ये क्या यार, डाइविंग फिन, यहाँ पे बहुत सारा सामान है यार। ये क्या शेक, और यहाँ पे फिशिंग रोड। तो गाइस यार फिशिंग रोड बना के ना हम लोग मछलियाँ पकड़ सकते हैं, बट उसके लिए ना एक रोप लगने वाली है। और यहाँ पे ये क्या है, टॉर्च, और यहाँ पे पिकेक्स तो भाई हम लोगों ने बनाई ली। तो एक काम करते हैं गाइस हम लोग ना अपने लिए ये रिपेयरिंग हैमर बना लेते हैं, इसके लिए भाई लगने वाली है एक रोप। तो यहाँ से बनाते हैं हम लोग रोप। ये देखो भाई हमारे पास ना क्लोथ काफी सारे, तो यहाँ से बनाते हैं भाई रोप। और यहाँ से फिर से बनाते हैं अपने लिए एक हथौड़ा, ये बन गया गाइस हमारे लिए हथौड़ा। ये हमारे ना गाइस बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यार इसको यूज करके ना हम लोग भाई अपने घर को तोड़ फोड़ सकते हैं और दोबारा से बना सकते हैं। तो चलो भाई ये भी बन गया। यहाँ पे ये क्या यार, पैकिंग बॉक्स, यूज टू पैक प्लेस्ड ऑब्जेक्ट बैक इनटू योर इन्वेंटरी। ओ वेट भाई यहाँ पे ना हमें 2 लेदर चाहिए, उसके बाद हम लोग अपना हेलमेट भी बना सकेंगे। तो यार एक काम करते हैं यहाँ पे, ये क्या है भाई, बैंडेज, अच्छा यहाँ से हम लोग बैंडेज बना सकते हैं, बट उसके लिए भाई क्लोथ लगने वाले हैं। तो यार हमारे पास भाई काम का सामान ज्यादा है नहीं यार। तो गाइस यार हमें ना अभी भाई बहुत सारे क्लोथ वगैरह चाहिए, तभी हम लोग भाई अपने लिए सामान वगैरह बना पाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या यार, मेटल बैरल, ये क्या भाई, यूज फॉर स्टोरिंग आइटम। तो गाइस इसको भी हम लोग एज ए स्टोरेज यूज कर सकते हैं। तो बनाते हैं भाई, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे साइड में, इसको रखते हैं गाइस हम लोग यहाँ पे। नाइस, देखते हैं गाइस इसकी इन्वेंटरी कितनी बड़ी है, खोल के देखते हैं भाई। ओ भाई इसकी इन्वेंटरी ज़्यादा बड़ी है यार उससे, नहीं शायद बराबर ही है भाई, हाँ बराबर है भाई एकदम। तो और क्या कुछ बन सकता है भाई यहाँ से, देख लेते हैं। यहाँ से ना हम लोग सोफा वगैरह बना सकते हैं, बट यार इसके लिए भी क्लॉथ लगने वाला है। और यहाँ पे टेबल, ये सिंपल कैबिनेट। तो यार ये सब तो भाई डेकोरेशन का सामान है यार, हमें भाई अपने लिए ना काम काम का सामान बनाना है। ये क्या भाई, मेटल सेल्विंग, तो ये क्या काम आने वाला है। तो एक काम करते हैं गाइस हम लोग ना इसको बना लेते हैं, इसको बना के लगाते हैं यहाँ पे, देखी जाएगी भाई। शायद इसके अंदर ना हम लोग मेटल वेटल रख सकते हैं, हाँ भाई ये देखो इसके ऊपर हम लोग अपने मेटल को प्लेस कर सकते हैं। नाइस यार, एक काम करते हैं गाइस इसको ना, ओ वेट भाई हम लोगों ने सारा मेटल रख दिया यार यहाँ पे, तो चलो सही है यार। मेटल का सामान हम लोग इस साइड रख सकते हैं, और भाई खाने पीने का सामान हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं, मतलब अलग अलग सेक्शन के अंदर ना अलग अलग सामान रख सकते हैं। तो चलो सही है भाई, यहाँ से हम लोग उठाते हैं और सामान अपना। वेट इसके अंदर भाई हमारा खाने पीने का सामान है, तो यार खाने पीने का सामान ना हम लोग अपने पास रखने वाले हैं, क्योंकि गाइस हम लोग अटैक करने जाने वाले हैं। तो यार हमें ना भूख लगने वाली है वहाँ पे, तो यार खाने पीने का सामान तो भाई हमारे पास होना ही चाहिए, वरना हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे फालतू में। तो यहाँ पे इसके अंदर भाई बहुत सारे कॉम्पोनेंट पड़े हैं। तो यहाँ पे भाई ग्लास पड़ा है, आलू पड़ा है, तो आलू को एक काम करते हैं हम लोग पका लेते हैं। और जो गाइस वहाँ पे मीट पड़ा ना उसको हम लोग उठा लेते हैं, क्योंकि वो ना हमारे भाई काम आने वाला है। यहाँ पे गैसोलीन है, तो यार ये जो हमारी बोट है ना इसके अंदर तो गाइस गैसोलीन पड़ी नहीं रही, ये तो भाई हवा से चल रही है, मतलब इसके ऊपर ना सेल लगी हुई है पर्दा, उसको हम लोग भाई लेफ्ट राइट को कर रहे हैं, तो ये बोट ना मूव करने लग जा रही है। तो शायद यार हमें भाई गैसोलीन वाली बोट भी बनानी होगी, मतलब जिसके अंदर इंजन लगा होगा, तो शायद वो बाद में बनेगी। तो भाई तेल को ना हम लोग इसी के अंदर रखते हैं एक बार के लिए। वैसे यार हम लोग ना भाई अपने घर को मैटर का घर भी बना सकते हैं,
बट यार उसके लिए ना हमें भाई बहुत सारे स्क्रैप मेटल लगने वाले हैं, तो हम लोग बनाएंगे भाई, बट उससे पहले ना हम लोग लूट वूट करेंगे। वेट, यहाँ पे भाई मीट है ना ये जो हम लोगों ने पकाया था, यहाँ पे चार को लिए। तो एक काम करते हैं यार, ये टेप भाई कहीं काम आने वाली है, तो इसको ना हम लोग भाई अपनी इन्वेंट्री के अंदर मूव करते हैं। और यहाँ पे एक क्लॉथ है ना, इसको भी हम लोग भाई एक बार के लिए यहाँ पे रख देते हैं। इसको भी रखते हैं यहाँ पे, इसको भी रखते हैं यहाँ पे। ये तो खाने पीने का सामान है ना, तो इसको हम लोग एक बार अपने पास ही रखते हैं। और ये क्रॉसबो के बोल्ट है, तो गाइस इसको भी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास क्रॉसबो नहीं है अभी। जब भाई हम लोग क्रॉसबो बनाएंगे ना, तब हम लग भाई इसको यूज़ करेंगे। यहाँ से उठाते हैं चारकोल। ओ अच्छा गाइस, सब समझ आया मुझे, जब हम लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं ना, तो भाई वो लकड़ियाँ कोयला बन के नीचे गिर रही हैं। तो गाइस यार जो ये चारकोल है ना, ये भाई गन की बुलेट बनाने काम आने वाला है। यार कोई है क्या नीचे? किसी की तो आवाज़ आ रही है भाई। वेट, शायद हमारी बोट आवाज़ कर रही है भाई। यार मैं सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा भाई पुल बना लूँ आने जाने का रास्ता, मतलब मैं यहीं से जाके ना सीधा बोट में बैठ जाऊँ। बट यार फिलहाल के लिए हम लोगों ने भाई अपनी सारी लकड़ियाँ उठे रख दी यहाँ पे। तो गाइस अब हम चलते हैं सीधा म्यूटेंट के आइलैंड पे, उन पे अटैक करके उनके लूट लूटने। तो चलते हैं गाइस बाहर। वेट भाई, ये क्या? अबे यार रात हो रही है भाई, तो हमें ना सोना होगा। अगर हम लोग भाई सोएंगे नहीं तो हम लोग थक जाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने ना लास्ट टाइम बेड बनाया था, तो हम लोग यहाँ से सो जाते हैं। तो यहाँ पे गाइस सुबह हो चुकी है, तो हम लोग चलते हैं बाहर। बट वेट, यहाँ पे भाई हमें थोड़ी प्यास लगी है, तो एक काम करते हैं गाइस, हम लोग यहाँ से पानी पी लेते हैं। तो चलते हैं गाइस हम लोग बाहर और यहाँ से गेट कर देते हैं बंद। आई होप गाइस कि हमारे लूट ना यार, वो म्यूटेंट लूटे ना। तो ये खड़ी हमारी प्यारी सी बोट, और चलते हैं गाइस हम लोग अपनी बोट में सीधा म्यूटेंट के आइलैंड पे। वेट, यहाँ पे आ रहा है एफ टू चेंज कलर। अच्छा, हम लोग इसको अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हैं, तो सही है भाई। तो गाइस चलो करते हैं स्टार्ट, यहाँ पे पर्दा करते हैं नीचे। नाइस भाई, हमारी बोट ना स्टार्ट हो चुकी है, बट हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं? एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे चलते हैं रेडियो आइलैंड पे, तो हम लोग जा ही आए। तो यार हम लोग चलते हैं सीधा, कहाँ पे जाएं यार? यहाँ पे चलते हैं भाई मेंशन में। तो भाई हम लोग अपनी बोट को ना थोड़ा घुमा लेते हैं इस साइड को। हो रहा भाई सामने आइलैंड, उस आइलैंड पे भी ना भाई म्यूटेंट रहते हैं, तो भाई उनको मारते चल के। बहुत हो गया यार इन म्यूटेंट का। ये क्या यार, म्यूटल सेटलमेंट, तो अच्छा इस आइलैंड का नाम है। ओ भाई वो खड़ा सामने एक म्यूटेंट। तो यहाँ पे काम करते हैं यार, हम लोग ना अपनी बोट रोक देते हैं। अबे रुक जा भाई, और चलते हैं सीधा अंदर। ओ भाई आई होप कि उसने हमें देखा ना हो। ओ भाई देख लिया इन लोगों ने हमें, बट कोई बात नहीं यार, हमारे पास आज तीर कमान है, लेके चलते हैं भाई सीधा ऊपर। आ जाओ बेटा, आज नहीं बचोगे तुम लोग। ओ भाई साहब, अबे ये क्या है? ओ भाई कुछ ज़्यादा ही है यार यहाँ पे। अबे ये क्या है, यहाँ पे तो ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है भाई साहब, इसके ऊपर कैसे अटैक करेंगे हम लोग? यहाँ से कोई रास्ता है क्या घूम के जाने का? भाई यार शिट, इन लोगों ने है ना हमें देख लिया। अबे ये क्या, इन लोगों ने भाई पूरे आइलैंड को ना कवर कर रखा चारों ओर से, तो इनको हम लोग मारेंगे कैसे यार? बट उससे पहले हम लोग अंदर, ओ वेट यहाँ से रास्ता है। तो गाइस यहाँ से हम लोग रबड़ निकालते हैं, क्योंकि हमें टायर के अंदर से रबड़ मिलने वाली है। ओ भाई आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा, तेरा ही वेट कर रहा था मैं, तेरा ही वेट कर रहा था भाई मैं। आ जा आ जा आ जा, नीचे कहाँ जा रहा है? इधर आ, तेरा सिर फोड़ूंगा आज मैं। ये ले बेटा, ये ले, चल चल चल। ओ भाई टपका दिया एक को तो हमने यहाँ पे, और कौन आएगा? कुल्हाड़ी भी आज भाई, कुल्हाड़ी से मारूंगा सबको। ओ भाई साहब, इसको ना इसको कुल्हाड़ी से प्रसाद देना पड़ेगा। आ जा बेटा, आ जा आ जा, तू आ जा, हमें मारेगा। ओ भाई अबे ये तो लगी नहीं इसके, इसे इसका सिर फोड़ना पड़ेगा। अबे आ जा आ जा आ जा आ जा, हमसे लड़ाई करेगा। बहुत हो गया बेटा तेरा, चल निकल यहाँ से। ये क्या, बस दो ही थे क्या? ओ भाई एक और आ रहा है प्रसाद लेने, तो इसको भी देंगे। बट वेट, ओ भाई साहब इसके पास हथौड़ा है, ये भाई एक ही मारेगा और हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो इससे ना हम लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं, देते हैं इसके। ओ भाई घुमा रहा है ये तो। ओ भाई दिया इसने हमारे एक। ओ भाई शायद ये फीमेल है भाई, चिल्ला रही है। ओ भाई साहब दो दो आगे। अबे एक एक करके आओ, गलत बात है भाई तुम्हारी ये। ओ भाई भागो 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 भागो। ये क्या अटक गया क्या इसके अंदर? आ जा बेटा, आ जा। ये ले बेटा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा बेटा, तू आ जा, चल निकल यहाँ से। एक रहेगा ना इसके भी, इसके इस, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ओ भाई ये खतरनाक है यार। ये ले, चल चल चल, निकल यहाँ से। एक काम करते हैं गाइस, हम लोग ना यहाँ से बैंडेज लगा देते हैं, क्योंकि भाई हमारी हेल्थ ना कम हो रखी है। ओ वेट भाई, बैंडेज लगा ही नहीं रहा यार, यहाँ से हम लोग पानी पी सकते हैं। तो यार पानी, प्यास तो हमें लगी नहीं है, तो इसको तो पीने को रहने देते हैं। वेट भाई, हम लोग ना चल के जल्दी से अपनी बोट में अपना सामान रख देते हैं, क्योंकि गाइस हमारी ना इन्वेंट्री पूरी भर चुकी है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ के सारे म्यूटेंट मर चुके हैं। तो चलते हैं चल के। ओ भाई ये कैसी आवाज़ आ रही है? ओ वेट, एक म्यूटेंट भाई वहाँ पे है सामने, तो कहाँ गया यार, किधर गया? ये आ रहा, आ जा बेटा, आ जा तू, आ जा आ जा आ जा आ जा, जा, जा। कहाँ पे, किधर से मार रहा है? अबे ये हमारी बोट तोड़ रहा है क्या? कहाँ? ओ भाई साहब, पानी के अंदर लड़ाई होने वाली है। ओ भाई पानी में लड़ना होगा मुझे लग रहा है इससे हमें। ये ले बेटा। ओ भाई क्या ही फाइट हो रही है भाई पानी के अंदर। ओ भाई पागल हो रखी है ये। आ जा, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, खा, मार देंगे इसको हम लोग आराम से। बट यार
खतरनाक लग रही है भाई ये, क्योंकि हमने इसके साथियों को मार डाला ना। तो कहाँ भी ये ले चल निकल यहाँ से, बहुत हो गया तेरा। ओ भाई मर गई, शुक्र है। यहाँ से गाइस हम लोग लूटते हैं इसको। ओ वेट यार, इन्वेंट्री भाई हमारी भर चुकी है, तो ऊपर चलते हैं। और यहाँ पे ये देखो भाई, यहाँ पे चेस्ट है, काम करते हैं यहाँ पे ना, सामान सारा इसके अंदर मूव कर देते हैं। इसको भी रखते हैं इसके अंदर भाई, तीर भी अब कोई काम के नहीं है, इसको भी रखते हैं हम लोग इसके अंदर। और केकड़े को हम लोग खाने वाले हैं, तो इसको हम लोग अपने पास ही रखते हैं। और चलते हैं गाइस, चल के ना जल्दी से लूट के आते हैं और अपनी चेस्ट को भरते हैं। मुझे लग नहीं रहा भाई यहाँ पे हमें ज़्यादा लूट मिलने वाली है, बट चलो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ओह वेट, यहाँ पे भाई लूट फेंकी हुई है। वेट, इसके अंदर कुछ तो है, तोड़ते हैं गाइस। इसके अंदर से हमें वुडन प्लैंक मिलने वाली है, ये देखो यार वुडन प्लैंक मिल रही है भाई यहाँ पे। इसके अंदर से ग्रोथ ही निकल रहा है ना इसे यार। और यहाँ पे स्क्रैप मेटल मिलने वाला हमें छोटा बड़ा भाई यहाँ पे। ये देखो भाई बहुत सारा स्क्रैप मेटल निकल रहा है इसके अंदर से, इसको भी उठाते हैं और चलते हैं गाइस हम लोग ऊपर। और इसको भी तोड़ते हैं भाई साहब, इन लोगों ने तो बहुत माल रखा हुआ यार। यहाँ पे भाई हमें रबड़ मिलने वाली है, निकालते हैं इसके अंदर से रबड़। रबड़ भी काफ़ी काम आने वाली है यार हमारे। वेट, यहाँ पे इसके अंदर से क्या निकलने वाली है यार, दारू है भाई इसके अंदर तो। इसके अंदर कुछ खाने का सामान रखा हुआ है, तो इसको हम लोग उठा लेते हैं। यहाँ पे भाई स्क्रैप मेटल मिलने वाले हैं, स्क्रैप मेटल का भाई भंडार है यहाँ पे। और इसके अंदर क्या है भाई, इसको भी हम लोग तोड़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर से। वेट, इसके अंदर से वुडन प्लैंक मिल रही है नाइस, तो इसको भी तोड़ते हैं भाई हम लोग। वुडन प्लैंक बहुत रखे भाई इन लोगों ने, लग रहा हमारी भाई लूट करके आए थे ये लोग, मतलब हमारे आइलैंड को लूट के यहाँ पे आके अपना बेस बना रहे थे भाई। ऐसे कैसे बनाएंगे भाई अपना बेस। लूटते हैं गाइस यहाँ से, स्क्रैप मेटल निकल रहे हैं नाइस भाई। इसको भी तोड़ते हैं, इसके अंदर क्या है, इसको खोलते हैं, इसको खोलना होगा हमें। ओ वेट भाई, ये क्या रखा हुआ है इसके अंदर, ये क्या यार, जिप्पो। और यहाँ पे ये क्या था, सिगार। अच्छा हम लोग सिगार वगैरह पी सकते हैं। ओ भाई वेट, इसके अंदर से ना हमें बहुत सारे क्लॉथ मिलने वाले हैं, तो एक काम करते हैं गाइस हम लोग ना क्रैब मीट को खा लें क्या। वेट यार, हमारी हेल्थ भाई कम हो रही है, तो एक काम करते हैं गाइस खा लेते हैं थोड़ी बहुत। गाइस हम लोग यहाँ से स्ट्रॉबेरी भी खा लेते हैं, ये देखो हमारी हेल्थ बढ़ रही है नीचे। और ये क्या भाई, बर्ड मीट, तो इसको भी खा लेते हैं। तो गाइस प्यास तो हमें लगी नहीं हुई, तो एक काम करते हैं गाइस चलते हैं हम लोग जल्दी से अपनी बोट पे। और ये सामान भी गाइस हम लोग उस पर रख के आते हैं, हमारी बोट भाई कुछ ज़्यादा दूर खड़ी है। ये सही है भाई, साइड से हम लोग ये देखो जा सकते हैं आराम से। इसके ऊपर चलते हैं, इसके अंदर रखते हैं अपना सारा सामान, यहाँ से रखते हैं वुडन प्लैंक इसके अंदर, स्क्रैप मेटल इसके अंदर, और क्या कुछ। वेट भाई, यहाँ पे ना हमें कपड़े मिले हैं, तो एक काम करते हैं गाइस कपड़े पहन लेते हैं। ये देखो भाई अब सही लग रहा है थोड़ा बंदा। और यहाँ पे भाई हमें क्लॉथ मिली है, तो क्लॉथ को भी हम लोग रखते हैं यहाँ पे। और ये क्या रबड़, हम लोग भाई यहाँ पे नहीं चेस्ट बना के रख सकते, देखते हैं भाई ट्राई करके। यहाँ पे करते हैं बिल्ड, बट वेट नहीं बिल्ड हो रही भाई, यहाँ पे नहीं बना सकते हम लोग शायद। तो चलते हैं गाइस हम लोग। वो भाई साहब देखो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है यार, सनसेट भाई साहब। चलते हैं हम लोग ऊपर, और चल के भाई जो बचे कुछ लूट है ना उसको भी हम लोग उठा लाते हैं, क्योंकि भाई म्यूटेंट का कुछ नहीं पता यार, क्या पता भाई न्यू म्यूटेंट आके यहाँ पे कब्जा कर लें। तो चलते हैं गाइस हम लोग उस साइड का लूटना रह गया, और लूट के ना यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये देखो भाई हमें स्क्रैप मेटल मिलने वाले हैं यहाँ से, नाइस भाई बहुत सारे स्क्रैप मेटल मिल चुके हैं हमें। कुछ यार आगे भी रखे हुए हैं। वेट भाई, यहाँ पे प्लास रखा हुआ शायद, नहीं यार शायद भाई कचड़ा है, इसको हम लोग उठा ही नहीं पा रहे। वैसे गाइस अगर हमें क्लॉथ मिले ना तो हम लोग काफी कुछ बना सकते हैं अपने लिए, बट यार क्लॉथ भाई बहुत ही कम मिल रहे हैं, मतलब बहुत ही रेयर मिल रहे हैं। तो शायद यार हम लोगों ने भाई यहाँ पे लूट कर ली, तो निकलते हैं गाइस हम लोग यहाँ से। रात हो रही है। अबे ये क्या हुआ भाई, ऊपर कैसे चढ़ गया, मारते हैं गाइस हम लोग चुप्पी नीचे सीधा। बट वेट, हमारी बोट उस साइड खड़ी है ना, तो चलो गाइस ये वाला आइलैंड भी हम लोगों ने फाइनली लूट ही लिया। तो भाई दो आइलैंड लूट लिया भाई हम लोगों ने, बट यार अभी ना बहुत सारे आइलैंड है भाई अनलिमिटेड। गाइस बैठते हैं हम लोग अपनी ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि यार हमें ना भाई ठंड लग रही है, और करते हैं स्टार्ट इसको। इसके पर्दे को भाई खींच देते हैं नीचे की ओर, और मैप में देखते हैं हमारा आइलैंड ये रहा कैटवे आइलैंड। तो गाइस घुमाते हैं हम लोग अपनी बोट को इस साइड, वो रहा भाई वो दिख रहा सामने हमारा आइलैंड। तो यहाँ से ओ भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग, शायद वेट यार कौन सा आइलैंड है भाई हमारा, वो रहा भाई सामने लाइट जल रही है, जो पहाड़ी के ऊपर हम लोगों ने गाइस लाइट लगाई थी ना, वो वाली लाइट देखो दूर से भी दिख रही है। तो चलो बढ़िया भाई, हम लोग वहाँ पर ना एक दो लाइट और लगा देंगे, ताकि भाई हमें दूर से पता लग जाए हमारा आइलैंड कौन सा है। तो चलते हैं गाइस हम लोग। क्या ही मौसम हो रहा भाई, खतरनाक बर्फीला एकदम। जैसी गाइस सुबह हो रही है ना, यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, और जैसी रात हो जा रही है टेम्परेचर गाइस नीचे गिर जा रहा है, मतलब ठंड हो जा रही है। तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है गाइस स्टे नियर फायर, मतलब फायर के नज़दीक रहो। तो हमें जाके ना वहाँ पे फायर के नज़दीक रहना होगा, मतलब खुद को गर्म करना होगा। तो चलते हैं यार, यहाँ पे इस बोट की स्पीड हम लोग शायद बढ़ा ही नहीं सकते, ये भाई इतनी स्पीड पे चलने वाली है, मतलब 40-50 की स्पीड पे। चलते हैं गाइस हम लोग अंदर, हमें ठंड लग रही है भाई साहब। चलते हैं हम लोग अपने बेस के अंदर, नाइस भाई साइड से गाइस बर्फ़ दूर हो रही है, मतलब गाइस हमारी बॉडी ना गर्म हो रही है, तो सही है। चलो हमारा बेस भाई गर्म है पूरा। तो एक काम करते हैं गाइस, देखते हैं हमें आज क्या कुछ मिला भाई साहब। आज तो हमें बहुत सारा सामान मिला यार, यहाँ पे गाइस हमें ना एक टेबल मिला है, तो यहाँ से इसको करते हैं यूज़। अच्छा हम लोग गाइस उनके लूट उठा के ना वहाँ से यहाँ पे अपने बेस के अंदर भी ले आके लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसको लगाते हैं भाई हम लोग यहाँ पे। ओह भाई फिर से म्यूटेंट का अटैक हो रहा है। अबे भाई साहब कितने म्यूटेंट आएंगे यहाँ पे, इसको तो मैं यहीं से दूंगा प्रसाद।
आजा बेटा, इस बार तुझे आने नहीं दूंगा। मुझे लग रहा है ना इस, इनको पता लग चुका है कि हम लोगों ने यहाँ पे अटैक किया है। ये क्या है भाई, ये तो मर भी गया। यहाँ पे इसको भी ठोकते हैं। ओ भाई यार, तो कुछ ज़्यादा ही मिलकर आ रहे हैं। वो देखो, एक वो पीछे आ रहा है, एक वहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। आगे यहाँ से बंद करते हैं अपने बेस को, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता कि ये लोग हमारे बेस के अंदर घुसें और हमारे लूट ना उठा के लेके जाएं। ये हमारे बेस का नीचे का हिस्सा तोड़ रहे हैं भाई, ताकि हमारा बेस लूट जाए और ये हमारी सारी लूट लेके भाग जाएं। तो इसको इनको हम लोग बताते हैं, अभी चल यहाँ से निकल। अरे ये क्या, ये मर क्यों नहीं रहा भाई? ये देख रहा भाई, कितने मारे यार इसके मैंने भाई, मर ही नहीं रहा ये तो। यहाँ पे ये रहा। अब आ तू, अब आ, एक और कहाँ भाग गया यार? ये रहा भाई, देते हैं इसको एक तीर, शायद इसके और मारना होगा। वेट, इसके ना खोपड़ी में मारते हैं भाई साहब। अबे यार लग क्यों नहीं भाई इनके, पानी के अंदर उतर के मारना होगा इनको। ओ भाई कैन नॉट यूज़ अंडर वाटर। अच्छा, हम लोग इसको पानी के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, तो पानी के अंदर तो भाई सही बात है, यूज़ कहाँ से करेंगे। ये हम लोग हैमर तो यूज़ कर सकते हैं पानी के अंदर। तो ये ले बेटा, हाँ एक प्रसाद। ये क्या, मर गए भाई सारे के सारे। बट भाई हमें ना बहुत तगड़ी ठंड लग रही है, तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अबे भाई यहाँ पे मैं मारा जाऊँगा भाई, निकलता हूँ बाहर। ओ भाई यहाँ पे हम लोग जम रहे हैं। तो गाइस यार, जैसे जैसे हम लोग म्यूटेंट के आइलैंड को लूट रहे हैं, वैसे वैसे भाई ये म्यूटेंट ना बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं। बट कोई बात नहीं यार, हमारे पास भाई वेपन है इनको मारने के लिए, देखी जाएगी भाई। यहाँ पे ना हमें अपने आइलैंड को चारों ओर से कवर करना होगा, मतलब भाई हमें ना जालियाँ वालियाँ लगानी होंगी जैसे इन लोगों ने कवर कर रखा था। और हमें भाई अपने बेस को ना स्क्रैप मेटल का बनाना होगा, क्योंकि अगर लकड़ियों का बना होगा तो भाई ये ना इजीली तोड़ डालेंगे हमारे ये इस बेस को। तो गाइस यार, आज की इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो गाइस यार, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ना हम लोग भाई अपने लूट से बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं और अपने बेस को भी अपग्रेड करने वाले हैं। और गाइस हम लोग किसी दूसरे बड़े आइलैंड पे जाने वाले हैं म्यूटेंट को लूटने, क्योंकि गाइस अगर हम लोग बड़े आइलैंड पे जाएंगे तो गाइस हमें ज़्यादा लूट मिलेगी। और हम लोग देखेंगे भाई ये क्रॉसबो और वेपन वगैरह कहाँ से बनेंगे। तो गाइस यार, नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस इस चैनल पे ना लगातार ये वाली सीरीज आने वाली है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।